देख सकते हैं हम कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं। फिर सारी फ्लैट की नंबर 8 जो है नीचे उतार ली है। मैं आपकी ब्रीडिंग उसकी जो है ना अंदर ब्रीडिंग दिखाता हूँ। माशाल्लाह से एक चिक निकला हुआ और 3 अंडे हैं माशाल्लाह से। ब्रीडिंग का वो है ये कैल्शियम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं फिंचेस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं फिंचेस की वीडियो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो आज उनकी ब्रीडिंग दिखाते हैं। चलते हैं कॉलोनी के अंदर और फिर आपसे कॉलोनी के अंदर जाके मिलते हैं, इनकी ब्रीडिंग दिखाते हैं, अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, कैसे बियर हैं सर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। आगे चलते हैं, देख सकते हैं हम कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं। फिंचेस सारी फ्लाई कर रही हैं, तो अभी जो है ना मैं आपको ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मटके नंबर 2 से। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। इसके अंदर माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, मैं ज़ूम करता हूँ, मतलब 3 अंडे इसके अंदर हैं सही। उसके बाद आते हैं मटके नंबर, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ मगर मैं आपको दिखाता हूँ, 4 अंडे माशाल्लाह इसके अंदर है। अब हम आते हैं मटके नंबर 3, तो इसमें माशाल्लाह 1 अंडा अभी आ गया और प्यार दोबारा अंडे देना शुरू कर देगा। ये सबकी ब्रीड में ले चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं ऊपर वाली मटकियों की तरफ, और ऊपर वाली मटकियाँ देखिए 3 लगी हुई, 6 भी मेरे पास हैं फिंच के, तो 6 जो है मैं आपको दिखाऊंगा उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो अब चलते हैं मटकी नंबर 8 की तरफ। व्यूअर्स, मैंने मटकी नंबर 8 जो है नीचे उतार ली है। मैं आपकी ब्रीडिंग उसकी जो है ना अंदर ब्रीडिंग दिखाता हूँ। माशाल्लाह से एक चिक निकला हुआ और 3 अंडे हैं माशाल्लाह से। देख सकते हैं आप ये मटकी नंबर 8 की प्रोग्रेस है। अच्छा, जो सीक्रेट है मेरे ब्रीडिंग व्यूअर्स का वो है ये कैल्शियम। मैं कैल्शियम पाउडर जो है इनको हफ्ते में चेंज करता रहता हूँ, पाउडर बनाता हूँ, इसका ब्लॉक बना के पाउडर बना लेता हूँ, तो इसकी इसी वजह से इनकी जो अच्छी ब्रीड आती है। देख सकते हैं आप अभी 3 अंडे इसके पड़े हुए और फर्टाइल है तीनों के तीनों। उसके अलावा देखें एक बेबी निकला हुआ है। तो आगे चलते हैं दूसरी मटकी की तरफ। तो इधर से दूसरी मटकी है और इसमें भी 4 अंडे माशाल्लाह से हैं और नेस्ट देख सकते हैं अभी अंडे फर्टाइल में एक आध दिन में जो बेबीज बाहर आ जाएंगे। तो ये जो थी मेरी 5वीं मटकी की प्रोग्रेस थी। अब मैंने आपको 3-4 मटके दिखाई और 4 में माशाल्लाह से अंडे थे और 1 में माशाल्लाह बेबी भी था। अब तो हम चलते हैं लास्ट मटकी की तरफ, उसके बाद हम आपको जो है मैं फिंचेस की जैसी टिप्स बताऊंगा जो उनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छी होती है। तो चलने चलते हैं आगे वाली मटकी की तरफ। सो बस ये जो मटकी मेरे हाथ में, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास जो एक पेयर है उसने पहले ब्रीड करके अभी फारिग हुआ था वो कुछ दिन 3-4 दिन पहले। तो अभी इसका नेस्ट बिल्कुल खाली है, मैं इसको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करूँगा ताकि ब्रीड करे। अभी तो फिलहाल 5 मटके माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसमें भी, इसके अलावा इसमें भी और बाकी जो अलग मेरे यहाँ मटकियाँ हैं सब में जो है माशाल्लाह बेबीज और वो फिंचेस के अंडे वगैरह आए हुए हैं। तो हम जो है इस मटकी को टंगाता हूँ मैं अभी, उसके बाद फिर जो है आपको मैं आगे बताता हूँ कि मैं क्या इनको करता हूँ। पहले आप मेरी फिंचेस देख लीजिए, इसमें जो है एक पीस स्नो का है, पेंगुइन का सॉरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये जो पीछे बिल्कुल बैठा हुआ है, मैं आ गया तोड़ रहा है, तो मैं आपको पीस पूरी पूरी कोशिश करता हूँ निकालने की। और देखें आपको जाली पर टंगा हुआ है, देख सकते हैं आप। मेरी पिंचेस के जो है हेल्दी एकदम पेयर है। अभी क्योंकि गर्मी तो हाफ प्रेम कॉलोनी के अंदर आया था, उसके अलावा मेरे पास पूरे 6 पेयर है, 6 के 6 मेरा ब्रीडर पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके हवाले से मैं आपको और वीडियो तो नहीं बनाऊंगा कि फिंचेस एक कॉमन बर्ड है, इसको रखना भी आसान है। इसकी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे आई भी आप अभी देख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को जो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अभी के लिए इतना ही।